अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? केड़ा हाल है? खुश आयो? ठीक है, उम्मीद है सब खैर खैरियत सां हूंदो। सफा पहिरीं तव्हां सभिनी खे शबे बारात जूं लख लख वाधायूं हुजन। आइडियो बि आहे, अंदाज़ो बि आहे त असांजा काफ़ी व्यूअर्स जेको आहे सो इबादत में मसरूफ़ मशगूल हूंदा, त हीअ बि हिकिड़े क़िस्म जी इबादत ई आहे। तैलीम एजुकेशन बि इहा बि हिकिड़े क़िस्म जी इबादत जी लिस्ट में शामिल करे, त मूं सोचियो त हीअ बि इल्म जे ज़रिए बि आऊं जेको आहे हिन इबादत खे छो न आऊं करे वठां, त जीअं जो पासो इन लिस्ट में जो पासो असांजो नालो अची वञे, त बाबा अॼोकी ते इल्मी इबादत बि असां कईसीं। त माना छा, छो त तव्हांखे ख़बर आहे त पाण करीम सलाहु वसलम जन इल्म रखण जा तमामु जो पासो चाहींदा हुआ त मूं वटि तमामु वधीक इल्म हुजे ऐं इल्म खे फैलाईंदा हुआ। असांजी पहिरीं बि वर अची वई आहे मिनाहिल फातिमा, वालेकुम सलाम बाबा। सो त अचो त अॼोकी राति ते जेको आहे सो वरी इबादत में शामिल कंदे इल्म खे, इल्म जी दुनिया में वधीक असांजे जेके आइडियाज़ आहिनि, असांजे पंहिंजे नज़रियात आहिनि, टॉपिक्स आहिनि, उहे असां पढ़ी वठूं। अॼोकी जेका क्लास आहे, दैट इज़ क्लास 44, ठीकु आहे। एंड द नेम ऑफ टुडेज़ क्लास इज़, टॉपिक इज़ एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, ठीकु आहे। हाणे ही हूअ नाइंथ क्लास जी केमिस्ट्री में टॉपिक आहे, पर अठे क्लास जी साइंस में बि जेको आहे सो इंक्लूडिड कयो वियो आहे। त मूं जेको आहे तव्हांजे लाइ नाइंथ क्लास ऐं अठे क्लास चैप्टर्स खे जेको आहे पाण में कंबाइंड करे ऐं तव्हांजे लाइ जेको आहे टॉपिक्स ऐं जनरली खणी आयो आहियां तव्हांजे लाइ। सो तव्हांखे ख़बर आहे त लेबोरेटरीज़ वग़ैरह में तव्हां एसिड्स ॾिसो न ॾिसो, ही हिन तरह जी जेको आहे अरेंजमेंट्स ऐं सेटिंग वग़ैरह जेको आहे क्लासिस में रखियल हूंदी आहे, ऐं तव्हां जेको आहे सो इहे जेके ट्यूब ऐं टेस्ट ट्यूब वग़ैरह आहिनि उन्हनि में एसिड्स वग़ैरह लेबोरेटरीज में पिया हूंदा आहिनि। स्कूल्स में जेके लैब्स हूंदियूं आहिनि या कॉलेजेस में लैब्स हूंदियूं आहिनि, उनमें तव्हां एसिड्स बि यूज़ कंदा आहियो, बेसिस बि यूज़ कंदा आहियो, साल्ट त हुई तव्हांखे ख़बर आहे जेको होमवर्क्स में डेली लाइफ रूटीन जे मुताबिक़ तव्हां जेको साल्ट खे बि इस्तेमालु कंदा आहियो। त तीअं साॻे नमूने सां अॼु बि जेको आहे असां अचो त हिनजी वधीक डिस्कशन कयूं, लेकिन हुन खां पहिरीं आऊं तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि जनरल ॿुधाए छॾियां त जेको आहे कुझु नेटवर्क जो इशू आहे। नेटवर्क जो इशू इहो आहे त तव्हांखां जेको मां क्वेश्चन वग़ैरह कंदो आहियां त उनजो आंसर या मुंहिंजो क्वेश्चन तव्हां ताईं अनाउंस प्रोनाउंस थींदे में 10 खां 15 मिंट लॻाए थो या 5-6 मिंट लॻाए थो, ऐं उहो ई तव्हांजो आंसर जेको आहे मूं वटि पहुचण में 5 खां 8 खां 10 मिंट लॻाईंदो। त दैट्स वाइ अॼोकी जेका क्लास आहे न बाबा, मुंहिंजी कोशिशि इहा ई आहे त आउं एट अ टाइम ते जेको तव्हांजा तव्हां जेको आहे आंसर्स वग़ैरह पुॼाए सघां ऐं पहुची सघां, त उन मुताबिक़ जेको आहे त इहे जेको आहे सो तव्हां अरेंजमेंट वग़ैरह इहे सभु तव्हां क्लासिस में जेको आहे सो तव्हां ॾिठियूं हूंदियूं, एसिड्स जा यूज़िस, बेसिस जा यूज़िस वग़ैरह तव्हां यूज़ कया। हा त ॻाल्हि पिया कई त नेटवर्क जे इशू जे करे जेको आहे सो करे करे व्यूअर्स जा आंसर मूं वटि टाइम ते न पुॼी सघंदा आहिनि या मुंहिंजो क्वेश्चन उन टाइम ते तव्हां वटि न पुॼी सघंदो आहे। त वरी बि ॾिसूं था त नेटवर्क असांजो केतिरो साथ थो ॾिए या कमेंट्स में असां केतिरी हिकु ॿिए सां उहा कचहरी, उहा ॻाल्हि ॻोल्हि, सवाल जवाब, क्वेश्चनिंग आंसर वग़ैरह करे था सघूं। सो लेट्स मूव टू अ टॉपिक, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। सब खां पहिरीं उन टॉपिक्स में ही ॾिसो तव्हां कुझु ड्रिंक्स वग़ैरह जा दॿा हूंदा आहिनि, कुझु फ्रूट्स आहिनि जेके असां यूज कंदा आहियूं, खाईंदा आहियूं, इन्हनि में एसिड्स पियल हूंदा आहिनि, ठीकु आहे। जीअं लेमन आहे, लेमन जे अंदरि जो पासो हूंदो आहे मौजूदु सिट्रिक एसिड। रिमेंबर वन थिंग दैट ऑल द सिट्रस फ्रूट्स कंटेन सिट्रिक एसिड। जेके बि सिट्रस फ्रूट्स, खटा खटा फ्रूट्स हूंदा आहिनि न, उन्हनि जे अंदरि मौजूदु जेको एसिड हूंदो आहे दैट इज़ द सिट्रिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह में एस्क्रोबिक एसिड जहिड़ा जेको आहे सो आहिनि, कार्बोनिफ्रस एसिड जेके आहिनि उहे इस्तेमालु कया वेंदा आहिनि, ठीकु आहे। फर्दर हाणे ॾिसो एसिड्स, अल्कलीस एंड साल्ट्स जे बारे में पढ़ूं था त इहे छा हूंदा आहिनि। एसिड्स, अल्कलीस एंड साल्ट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट आर द एसिड्स, डू यू नो वाई विनेगर, लेमन जूस आर सॉल्टेस्ट? Nobody knew this until a few hundred years ago when it was discovered that these things are acids. Vinegar, sirka jisko urdu mein kaha jata hai, sindhi mein unke sirko chebo aata hai, unne jo taste jo ko khatto hundo hai. Lemon juice, wo tan chho lemon paan khatto hai, orange jisko tan chhi uni khatti hai. Ke ke khabar na hoti ta inne jo etro sour to taste jo ko chhondo hai. Ya ye khatta jo ko taste mein chhona ta actually po ji the science wujood mein thi bhai curious aindi hoyo to unne bataya to they contain the acid. The term acid
in fact comes from Latin word acere. Lafz acid jo paaye wo Latin je lafz zaban je lafz acere ma varto gaya, which means sore. Acere ki mana hai acid jo ka lafz acere ma varto gaya, jin ji mana hai sore yani ke khato. Initially acids and bases are defined as substances that change some properties of water. ठीक है वो शुरू शुरू में जो एसिड बेसिस की डेफिनेशन या निकती था वो सब्सटेंसेस जेके पानी वाटर की प्रॉपर्टीज के चेंज कर तो उन्होंने के एसिड से बेसिस सिग्नल हो गया. अच्छा वो नेक्स्ट में छा थियो द कांसेप्ट इन्वॉल्वड इन 19th सेंचुरी व्हेन दीस सब्सटेंसेस वर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द टेस्ट. वो छा थियो 19वीं का पोए इन सब्सटेंस के कैटेगराइज करे क्लासिफाइड कयो एसिड्स के अलग कयो बेसिस के अलग कयो अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट. जो तेकरा एसिड ता खबर सोर टेस्ट में होना है and basis jo pass ho ye bitter in test na theek hai. For example acids are sour testing stuff theek hai. With the passage of time people found out that the sour testing stuff had some other properties in common apart from just testing sour. For example it changes the color of litmus paper and corrodes some metals. हाँ तो चाहे कुछ प्रॉपर्टीज में एक टेस्ट की प्रॉपर्टी खबर पाई तेखा अलावा लिटमस पेपर जो हों लेबोरेटरीज में वगैरह में इस्तेमाल थी है ये लिटमस पेपर जो कलर चेंज कहना जी मिसाल तौर तो लिटमस पेपर के मथा जैसे एसिड त लगाइंदो तो जो ब्लू लिटमस हों ब्लू लिटमस कन्वर्ट थी राइट में वरी तेरे रेड कलर जो मिसाल तौर लिटमस बेस जो मथा डिप कौ लाइन तो रेड कलर कलर थी वापस ब्लू कलर में ठीक है. Lavoisier, father of modern chemistry, gave a raw idea about the chemistry of acids and there are some elements, essence in the acid that would be responsible for its acidity. Poi Lavoisier jo kahe one jo paso idea dena tha keda keda element jo paso pani mein milta hai acid ka chain. Very in 1840th century it was proposed that acidity was generated by hydrogen because it is component all acids have in common. पोए 1840 सदी ईस्वी के दौरान यो बुधायो तो एसिड जो को है एक अड़ो सब्सटेंस है जो को जनरेट कब एलिमेंट हाइड्रोजन के जरिए बिकॉज इट इज अ कंपोनेंट ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन. पोए सूडान जो स्वेडिश जो केमिस्ट आयो ऑगस्ट आर्हिनियस जी 9th क्लास में आर्हिनियस थ्योरी जने नाले सा है 1903 डिफाइंड एसिड्स एंड बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनाइजेशन and the solution and received Nobel prize on his discovery. Poi Arrhenius theory jo kaso nahi 1903 mein acids nahi basis yo properties batai ko na ke jo kaso award dino yo according to Arrhenius theory mutabik cha cheva acids are those substances which produce hydrogen ion H+ in the aqueous solution. Yani ke Arrhenius cha chayo ta acids was substance unan generate H+ je hitan नालो एच के मथा हाइड्रोजन मथा पॉजिटिव चार्ज है सो या प्रॉपर्टी जो पासो के नहीं आर्हिनियस ठीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच जो पासो छा है स्टार्टिंग में पॉजिटिव है प्लस में है सो हाइड्रोक्लोराइड जो पा है या हाइड्रोक्लोरिक जो पा यो एसिड है बेस कोने छो बेस कोने हाइड्रोक्लोरिक इन करे छो तो इट पजेस द हाइड्रोजन एच प्लस आयन व्हाइल चले द बेसिस के बारे में उन चाच बेसिस आर दो सब्सटेंसेस वे सब्सटेंस के एच नेगेटिव प्रोड्यूस कन ठीक है नेगेटिव प्रोड्यूस कन उन के बेसिस चाहिए तो है सो एंड सो दिस इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड सो आखिर में OH तक तो याद रखो अकॉर्डिंग टू द आर्हिनियस थ्योरी 9th क्लास में जो पास प्रपोज चला है द एसिड वो जेह में हाइड्रोजन H+ हो जे जले तक बेस वो जैसे आखिर में OH नेगेटिव हो जाए राइट. फर्दर हाँ ही दिसो असाइंट एसिड साइन इन्हें के ताँ के आइडेंटिफाई करवाए H2SO4 KOH HCl CH3COOH NH4OH KOOH आने हिन्न जे बारे में ताँ हाँ जो ब्रैकेट लिख रहे थे ही एसिड आया बेसा है ठीक है रीजन छाजे करे ही एसिड है अचो ता मा बुधाय तो छिया आई फर ता फकर ता के हते पिन के बारे बुधाय तो नेक्स्ट एक्टिविटी जका वो ता के सॉल्व करके करे कमेंट्स पे बुधाय तो के ओ एच छा है एच सी एल छा है एन एच 4 ओ एच छा है या सी एच
पेरेंट्स सो असा वटा H2SO4 एंड सो H2SO4 जे आखिर में OH कोने का सिर्फ शुरू में H प्लस था दैट इज व्हाई ही असि चनासी दिस इज द एसिड ठीक है असि चनासी त ही एकरे किस्म जो छ है एसिड है ठीक है त इने करे असा इने के जस्ट चनासी त दिस इज द एसिड बिकॉज़ इट पजेस अ H प्लस आयन ठीक है रीजन में लिखना थी द H2SO4 द एसिड बिकॉज़ इट पजेस द H प्लस आयन थर्ड नंबर थे फोर्थ नंबर है CH3COOH दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड ठीक है एसिटिक एसिड जो को सो फार्मूला है CH3COOH छाजे करे जो को सो एसिड है सॉरी बेस है बिकॉज़ इट पजेस OH नेगेटिव ठीक है पर CH3COOH याद रख जो एक एक किस्म जो एसिड था बेस ना है सो बिकॉज़ ही स्टार्टिंग में कार्बन का को H जो को सो प्लस CH प्लस थी नो एंड OH आखिर में नेगेटिव थी नो तो ही देखो CH3COOH है दिस इज द एसिड ठीक है बाकी NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये छाइन यो ताके बुधाणो है तो एसिड है या बेसिस है जेकर एसिड है तने रीजन लिखनो है बेसिस है तने ताके रीजन लिखनो है या घर में सॉल्व करो या जेते ता कमेंट में मेंशन कर जाओ तो कर सको था सॉल्ट सॉल्ट छ छ व्हेन acid is mixed with base at certain point acidic nature of acid and basic nature of base are destroyed jab ab acid and base ke paani mein mix kar diya jata hai theek hai sir acid ki acidity and bases ki basicity jo ka chatni khatam thi gayi acid ki acidity properties and bases ki basicity properties disappear union ai pasa ka salty mein the resulting solution is neither acidic nor basic ठीक है एंड इन ए प्रोसेस के चाहे विद बाय न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन छके चबवा न्यूट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच एसिड मिक्सेस विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ठीक है जदे एसिड ए बेस पान मिलकर सॉल्ट एंड वाटर फाइन द एडे किस्म के प्रोसेस के चाहे विद बाय न्यूट्रलाइजेशन ठीक है फर्दर टेस्ट ट्यूब तां च जदे तां में इस्तेमाल कंदो उने में ता हाण सो या सा खणो ता एसिड सा खयो आ इते हाइड्रोक्लोरिक एसिड ता आई होप यू ऑल आर वाचिंग आई पे वसा सेकंड नंबर ते सा खयो आ सोडियम हाइड्रोक्साइड दिसो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ एच है स्टार्टिंग में एच प्लस ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड जे आखिर में OH है तो मतलब नेगेटिव तो याद रखियो केमिकल रिएक्शन के मुताबिक पॉजिटिव नेगेटिव सा रिएक्शन को नेगेटिव पॉजिटिव सा करो देखो H पॉजिटिव वनी OH नेगेटिव सा रिएक्शन करो साथी नो हाइड्रोजन पथियो ना H2 ऑक्सीजन एकरो मिलो H2O यानी के वाटर थियो बाकी छ बचो इन पास रिएक्शन में सोडियम एना क्लोरीन बचो सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव तो छाथियो सोडियम क्लोराइड यानी कहते असा के साल्ट थई मिलो है वाटर थई मिलो देखो दीस आर द ही एक्टिविटी है सोडियम बेंजोनोइट पोटेशियम क्लोराइड सोडियम एसिटेट सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट ये साल्ट्स है ये छमा छमा ठयान ये लिस्ट लगी पया पेरी लिस्ट जो पास हो सोडियम बेंजोनोइट जो का छमा छवा वो छवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आई हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलकर पान में यो जो पास हो छई कर मिलो है सॉरी ये डिफरेंट टाइम ये जे के सोडियम बेंजोनोइट हिनन माने आए छ ये माना छई में डिफरेंट एसिड टाइप एसिड केड़ा केड़ा पान में ये मिक्स कर द ठीक है ठीक है अच्छा हाने ही ताके लाइनिंग देनी है ठीक है लाइनिंग चीता पढ़े हो तो मैच दी कॉलम मैच दी कॉलम में ताए बुधा वन वारो ए सा तो मैच दी बी सा सी सा डी सा ई सा ये ताके मैचिंग करे ये ताके एक्सरसाइज बुधानी है ठीक है जी मिसाल तौर पे ताहा के आऊं एकड़ी एक्स जो क्वेश्चन में सॉल्व करे बताया यस पेरो ऐसा और जो है सेकंड नंबर वारो KCl पोटेशियम क्लोराइड ठीक है पोटेशियम क्लोराइड हनन मा दसो इनन मा केड़ो कॉलम आए जे मा मिले करे हनन एसिड्स एंड बेसिस टायन ये साल्ट टायन ठीक है अच्छा आए ते खलावा हाने जो को पेरियो आए सोडियम बेंजोनोइट ठीक है ए जो फार्मूला इयो मैच पे थे बी सा की बी सा मथे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिले करे ये नाइट्रिक एसिड सा इनन रिएक्शन कयो ठीक है त इनन वनी करे पेरो नंबर और जो CH5COONa सोडियम बेंजोनोइट है
तहनी पे कॉलम्स न ता के मैच करना ठीक है दिस इज द एक्टिविटी फॉर यू प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स अल्कलीज एंड साल्ट्स ता खबर एसिड सॉर्टेस्ट में होता है ठीक है जी मैनेजर थियो लो लेमन इन जो सॉर्टेस्ट ना चले बेसिस जो को टेस्ट ना वो अच्छा होगा बिटर होगा नेम ऑफ एसिड एंड ये सो केड़ा केड़ा किथे मिलता है टार्टरिक एसिड किथे मिलता है टैमरिंड ग्रेप्स जे के अंगूर ना उनमें मिलता है सिट्रिक एसिड जे के खट्टा फ्रूट ना लेमन थियो ऑरेंज थियो लैक्टिक एसिड ताके योगर्ट दही में मिलतो एस्क्रोबिक एसिड आमला में मिलतो आंवला यानी के शैंपू वगैरह में इस्तेमाल थे खाने जा रहा समझना सिट्रस फ्रूट्स में जो का एस्क्रोबिक एसिड होता है एंड सिट्रिक एसिड होता है बेस्ट सो छा में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर यानी के जो चुन जो पानी होता है उनमें मिलता है अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये ताके छा में मिलता है सोप साबुन में मिलता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये विंडो क्लीनर जे के होता है उनन में मिलता है असके मैग्नीशियम यानी के मैग्नीशिया जो जो मिल्क होता है उन्हें वैसा के ये मिलता है ठीक है ये एक्टिविटी है ताज के लिए एक्टिविटी है योगर्ट योगर्ट के बारे में बताया लिखना सोर आए बिटर आए या साल्टिश है कोई ता नेक्स्ट कॉलम में ता लिखना तो योगर्ट एसिडिक है बेसिक है या साल्ट है कॉमन साल्ट के बारे में बताएंगे लिखना सोर है बिटर है या साल्टिश है एसिडिक है बेसिक है या साल्ट है दिस इज द नेक्स्ट एक्टिविटी फॉर यू ठीक है सेकंडली इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वी ऑल नो दैट वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर में जा जो कसो बिजली पास हो जो कस कंप्लीट तौर पे नथिन या बट टैप वाटर कंटेन्स चार्ज पार्टिकल टैप वाटर जो टंकी में पानी दो उन्हें में चार्ज पार्टिकल ना लाइक मैग्नीशियम हो तो आने में कैल्शियम हो आने होता है हेनन जेक मौजूद की चेक करे इन्हें वाटर में टेप वाटर में जा बिजली पास नहीं है जेका डेंजरस हो गया नुकसान दे हो गया लिटमस टेस्ट वो ता हम बुदाई चुको आया ता जदे ता ब्लू कलर जो को लिटमस पेपर हो उनके मथा एसिड जा ता ड्रॉप्स लगाइनो तो उन्हें में रेड कलर जा निशान अची वंदा वरी लेड रेड कलर वाले लिटमस पेपर के मथा ता कुछ बेसिस या ता ड्रॉप्स वगैरह जो पासो लाइन दो तो छा थिनो रेड कलर जे जो पासो ब्लू कलर जा पैचेस या निशान दे ता तेनो मतलब एसिड जो को है ब्लू लिटमस पेपर के कलर में कन्वर्ट कर दो बेस्ट जो को है वो रेड कलर लिटमस पेपर के ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दो ठीक है सो ए एक्टिविटी एक्टिव जनरल तांजला व्हाट काइंड ऑफ चाय ये एक्टिविटी थव चे लिक्विड खणो आए पर एक्सपेरिमेंट के बारे में तां जे बारे बुधाइनो त हन जो ब्लू कलर थिंदो रेड लिटमस पेपर ते छा थिनो आए केड़ो छा थिनो हान ही या नसा एकड़ी सोडियम क्लोराइड लिक्विड आए शैम्पू थियो वेनेजर थियो टूथपेस्ट थी वेली जेका ता नदन के इस्तेमाल करना लेमन जूस या ता लिटमस पेपर ते लाइंदा हो ब्लू कलर ते लाइंदो आए रेड कलर ते ता लाइंदो तो पता न सियो हन ही सब शय न मथा लाइन सा केड़े चेंजिंग्स थी ठीक है अल्कलाइज सा डू यू नो दैट योर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ता खबर होती तो ता जो को स्टमक होदो है वो जो को है ता जे स्टमक पे जो को है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद हुआ है उन जो कम छौदो डाइजेस्ट कंदो है प्रोटीन के आई हार्मफुल बैक्टीरिया के आई जर्म्स के जो पास सोचा करना है किल करता है आई डाइजेस्टिविटी में ता के हेल्प करता है अच्छा पर सर्टेन डाइजेशन टाइम रिक्वायर पीएच लेस देन 2 टू कुछ जो का नंबर टाइम पोने में जो पाए अल्कलाइन चेक होता है उनमें कुछ लिक्विड्स मौजूद होता है डाइजेस्टिव जो का स्टमक के अंदर कुछ अल्कलाइन लिक्विड्स होता है आई ते खाने अलावा जो को हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो चाह कोना फूड के पानी हिसाब से पानी मुताबिक सा डाइजेस्ट कर हुआ नेक्स्ट एंड हियर सो ए मुख्तलिफ एसिड्स या यूजेस हैं बेंजोइक एसिड इट्स साल्ट यूज टू प्रिजर्व फूड के प्रिजर्व का होता है अमोनिया प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर में इस्तेमाल थी एसिड
कुछ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हूं कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह चिकन उन्होंने ठंडो आ या हार्ड ड्रिंक्स में जो कार्बोनिक एसिड ठंडो नेक्स्ट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से छा में ठंडो मैन्युफैक्चर अदर एल्युमिनियम कंपाउंड एंड टू मेक गैस्ट्रिक मेडिसिन यानी के जेके गैस कब्ज जेके मेडिसिन सिरप वगैरह ठंडा है ना उने में ही एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करना तो चीज जो पास जे मस स्टम पेट जी जे बीमार लता मेडिसिन या सिरप वठी रहा है वो तानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम गैसियस प्रॉब्लम सही करे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सही कर सके नेक्स्टली आई ब्या है कुछ डिफरेंट है एसिटिक एसिड है यो पास तो कैल्शियम ऑक्साइड यो छाजा इस्तेमाल करदा सीमेंट जला इस्तेमाल चल ठाय वेंदो ठीक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट थंदो है लाइम वाटर थंदो है आई ते खालावा न्यूट्रलाइज कोना सोइल जी एसिडिटी के ठीक है नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पास सो एंड जो किथे यूज सो नाइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज इन जो पास क्लीनिंग क्लीनिंग एजेंट के तौर पे जो पास यो इस्तेमाल थिनो ठीक है अच्छा ते खा अलावा जस्ट अ मिनट अ लिटिल बिट मिस्टेक देयर बाय मी हाँ दोस्तों मां गाल पे कई तन में जे के ऐसा मुख्तलिफ यूज में हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह जो सो किथे थी ना इस्तेमाल ये हाउस होल्ड क्लीनिंग लेदर प्रोड्यूसिंग इन में वगैरह में सब्सटेंसेस में शेड में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल कराया विदो सोडियम हाइड्रोक्साइड को छ में छंदो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स साबुन थना एंड डिटर्जेंट्स वगैरह थना एंड आई ब्या जे के क्लीनर सुना होने में सोडियम हाइड्रोक्साइड छयो विदो ठीक है नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर आई प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड सोन के पानी के जो का साफ करने के लिए इस्तेमाल कर जेके सोनार दुकान के सोड रहा ताकि अगर सोना काफी टाइम रखे रखे पुराना हो जाता है खराब हो जाता है या फिर उसकी चमक खत्म हो जाती है तो फिर उस टाइम पे वो क्या है कि वो नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं या फिर यूटिलाइज करते हैं Alright guys, disobaba network jo issue lago pyo ene masla je ka jo pas thi pyo nitric acid ja ye use sa check mota budaya salt diso ta khabar salt is essential for life ta khabar cooking tor te istemal thindo hai ae te khala kuch industrial chemical thana salt ma misal tor plastic paper glass polyester rubber fertilizer household ब्लीच थना सोप थना डिटर्जेंट्स आई कुछ डाइस वगैरह थना डाइस डिटर्जेंट और ते इस्तेमाल कर विना ठीक है अच्छा उन्हें खा पोए एसिटिक एसिड वो ताए खबर हो गया ताए खबर एसिटिक एसिड जब कुछ ड्रॉप से करे स्किन ते लगान ताए जो इत्रो तो माना खतरा हो गया पोए जो पास कुछ नुकसान पूजा सके तो आसानी स्किन वगैरह के ठीक है याद रखो जिके साल सुना आठ साल का न्यूट्रल या बेसिक इन नेचर होना मोस्टली पीएच ताए खबर है पीएच स्केल अ मेजर ऑफ एसिडिटी ठीक है खबर पा दिया था एसिड जो का कितनी होती है बेसिस कितने है याद रखो टोटल नंबर ऑफ पीएच है 14 1 कमा 2 निकल 14 पॉइंट्स है जो का है वो पीएच टोटल लेवल है ठीक है आए चेक आउट नॉर्मल लेवल चेक आए वो 7 है पीएच ठीक है गलत समझ में अच्छी अच्छा पोए फर्दर स्मॉलर द पीएच नंबर द मोर एसिडिक इट इज जितनी पीएच वैल्यू 7 का घट होती वो सब्सटेंस एसिडिक होनो जितनी वैल्यू 7 का अधिक पीएच यानी के सब्सटेंस तो सब्सटेंस चाहो दो अल्लाह ताला ने किए बेसिस में ठीक है पोए हाने ये ना समझते हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने पीएच आ मीते करे 14 टाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जी 1 लेमन जूस 2 ओमेगा 3 सोडा 4 मीते करे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस अर्थो जी पीएच लेवल फाइनल में पीते 14 का ठीक है उन्हें खापो
इंडिकेटर इंडिकेटर छ के चबा एन इंडिकेटर इज अ डाई सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ कलर्ड सब्सटेंस दैट व्हेन एडेड टू द सॉल्यूशन गिव्स अ डिफरेंट कलर डिपेंडिंग ऑन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ही छ को डायक्रोमेटिक कलर्ड सब्सटेंस है यो जदे के कलर में डिपेंड करे तो ता के पीएच सॉल्यूशन के बारे में बताइन केतरी पीएच है दिस हेल्प इंडिकेट वेदर द सॉल्यूशन एसिडिक और अल्कलाइन ओते ता के जो है ही इंडिकेटर बताइदो ही एसिडिक है अल्कलाइन है डिफरेंट केमिकल्स होना है ना जेके होममेड इंडिकेटर्स यूज कया विदा आई उने मा जे सही चको है तो पीएच डी वैल्यू असा मालूम करना है ठीक है नेक्स्ट फिनोलेफथिन ही इंडिकेटर सो है फिनोलेफथिन जो कलर कलरलेस है आई जे करे बेसिक मीडियम में जे करे खणबो ने के तो पिंक कलर में तो नेक्स्ट ब्रोमोफिनोल ब्लू यो येलो कलर में है एसिड में होता जे करे बेसिक लेवल में होता तो ब्लू होतो ठीक है मिथाइल ऑरेंज होता जे के नॉन मुस्लिम जे के हिंदू होता है वो जे को सिंदूर जे को यूज करना है सिंदूर जे के चना है उन्हें के मिथाइल ऑरेंज चाहिए होता है ठीक है यो एसिडिक लेवल ते ऑरेंज होतो है बेसिक लेवल ते यो येलो कलर में ठीक है वेल दोस्तों अजो की क्लास जो है इतने वाइंड अप थी उम्मीद है चुका सो सभी आई होप यू ऑल हैव गॉटन माय ऑल पॉइंट्स एंड नेटवर्क के इशू जे कर चुका सो ताजा कमेंट्स मोट हैं को चार कमेंट जस्ट मोट मेंशन किया है एंड चैन कमेंट्स का अलावा फर्दर चुका सो मोटा कमेंट्स में न दिसी सकियो है बिकॉज इट्स अ नेटवर्क इशू रफी अब्बासी आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट याद रख ठीक है लास्ट में दो में याद रखो तो अल्लाह ताला मुख्य पानी मंजिल ते पुजाए आई ताके पानी मंजिल ते पुजाए जेके जो को मानो जे हार्ड वर्किंग के लगो पे ठीक है तो इंशाल्लाह आऊं ता सबनी को दो में याद रखना ता सभी मुख्य कौन में याद रखो जिंदगी रही तो सुबह मुलाकात थी नई नजरिया सागर सागर नए सच किरण सागर सर फरहान अली के इजाजत वमा अलैना इल्ल बलागुल मुबीन अस्सलाम वालेकुम ورحمة الله وبركاته